हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी लीजिए। देखिए, आज मैं बहुत ही डिलीशियस टेस्टी चीज के साथ आपके पास आई हूँ। अनार की पोमेग्रेनेट की कैंडीज, आप इनको कैंडीज भी कह सकते हैं, बर्फी भी कह सकते हैं, और नारियल के पाउडर के साथ मिक्स करके देखिए किस तरह से बहुत ही टेस्टी है। और ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, जो अनार के दाने नहीं खा सकते हैं उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है जो कि इजीली इसको खा पाएंगे, अदरवाइज वो अनार के दाने नहीं खा पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी नई रेसिपी अनार की कैंडी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिसने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सुमन की बगिया, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी दे दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई रेसिपी अनार की कैंडी। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या लिया है, दो ये मीडियम साइज अनार जिनको कि छिलके मैंने रख लिया, इनके दाने निकाल लिए, और दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर है, और दो टेबलस्पून ही शुगर लिया है मैंने, नॉर्मल शुगर है, पाउडर्ड शुगर नहीं है, नॉर्मल शुगर लिया है। और ये थोड़ा सा देखिए, ये इलायची पाउडर लिया है मैंने 1/4 चम्मच, और ये मैंने लिया है कोकोनट का पाउडर। तो इसी के साथ ही हम शुरू करेंगे अपनी कैंडी बनाना, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। उसको कैंडी कहिए, बर्फी कहिए, मजे की बात तो यह है कि ना इसमें ऑयल लगेगा ना इसमें घी लगेगा। और तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अनार खाना नहीं पसंद करते, या बूढ़े हैं उनसे, बुजुर्ग हैं उनसे अनार नहीं खाया जाता, तो उनके लिए भी बहुत टेस्टी कैंडी रहेगी कि फटाफट से कैंडी उठाई और अनार के सारे गुण उनको मिल गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये अनार के दानों को, ये ग्राइंड करना है हमें, तो हम इसको मिक्सी के जार में डाल लेंगे। इसका ढक्कन बंद करके हम इसको मिक्सी कर लेंगे। ये अनार के दाने अच्छे से पिस चुके हैं मिक्सी में। अब हम इनको एक बाउल में इस तरह से छन्नी रखकर इनको हम छान लेंगे। और इसको थोड़ा दबा के सारा जूस इसका अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए, इसमें से सारा जूस अच्छे से निकल चुका है। इसको हम साइड पे रख देंगे। और अब हम इसको देखिए, इतना जूस दो मीडियम साइज पोमेग्रेनेट में से निकल चुका है। अब हम ये कॉर्नफ्लोर लेंगे, देखिए इसमें से थोड़ा सा जूस लेके हम इसमें डालेंगे और इसको धीरे धीरे से मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखना है कि इसके लम्स ना बन पाए। इस तरह से लेके थोड़े थोड़े से इसमें लेके और हम कॉर्नफ्लोर को अच्छे से घोल लेंगे। देखिए, ये अब अच्छे से कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स हो गया है। अब हम इस सारे कॉर्नफ्लोर को इसमें बाउल में ही ऐड कर देंगे।
और जो हमने ये शुगर 2 टेबलस्पून ले रखी थी इसको भी इसी में ही ऐड कर देंगे और फिर इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये सारा मिक्सचर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब देखिए ये सारा मिक्स हो चुका है। गैस ऑन कर ली है और पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। आंच को धीमा ही रखना है, आंच को तेज बिल्कुल नहीं करना। और पैन गरम हल्का सा हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मिक्स बनाया था इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसको हल्के हल्का खिलाते रहेंगे। ये ध्यान रखना है कि हमें गैस को धीमा ही, आंच को धीमा ही रखना है और इसको भी लगातार हिलाते रहेंगे। अगर हम नहीं ले हिलाएंगे लगातार तो ये सारा इस पे पैन पर ही चिपक जाएगा। धीरे धीरे ये गाढ़ा होने लगेगा। बस आप इसको हल्की आंच पे रखेंगे और चलाते रहेंगे। देखिए ये गाढ़ा होने लग गया है। ये भी देखना है कि इसका जो कलर है, अगर आपका अनार का कलर रेड है तो इसका भी कलर बहुत रेड आएगा। जिस कलर का आपका अनार के दाने होंगे वैसा ही कलर इसका आ जाएगा। अगर थोड़ा अनार के दानों का कलर अगर पिंकिश होगा तो इसका भी कलर पिंकिश में आएगा, अगर बहुत रेड होगा तो बहुत रेड आएगा। बस ये हिलाते रहना है, हमें 1 सेकेंड भी इसको रोक नहीं सकते, रोकने से तुरंत इसके लम्स आ जाएंगे। थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे इसको हम। इसकी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये हमारी कैंडी की तरह से बन पाए। दो मिनट और इसको लगभग 10 मिनट तक हमें इसी तरह आंच पे पकाना है। अब ये हो चुका है, देखिए गाढ़ा। तो हमने जो ये इलायची पाउडर डाला लिया था वो भी हम अब इसमें डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे, आंच को बंद कर देंगे। देखिए इस काफी गाढ़ा जिसमें हमें डालना है उसमें हम पहले जो कोकोनट पाउडर है वो डाल लेंगे इस तरह से। और ये प्रक्रिया हमें जल्दी करनी होगी नहीं तो ये सारा जमने लगेगा। और इसके ऊपर अब हमें इसको डाल लेना है। इस तरह से और इसको हिला के इसको इक्वल में कर देना। देखिए ये अच्छे से इसमें फैला लिया है। अब इसके ऊपर भी हम इस तरह से जो कोकोनट पाउडर है उसको अच्छे से डाल देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद इसको रेफ्रिजरेटर में भी, फ्रिज में भी 4-5 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए अब ये 4 to 5 hours अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं। और ये अनार की जो कैंडीज हैं, आप इसको कैंडीज कहिए, अनार की बर्फी कहिए, ये पूरी तरह से अब फ्रीज हो चुकी हैं और बन चुकी हैं। हम इसको इस तरह से इसके पीसेस कर लेंगे। आप ये पीसेस छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा ज्यादा अनार लेते तो इसकी थिकनेस ज्यादा होती तो ये थोड़ा सा थिक बनती। अब ये हमारे मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना लिया है। ये देखिए इस तरह से आपके पीसेस हो जाएंगे और आप इजीली इसको टेस्ट कर सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस अनार की कैंडीज बड़ी इजीली आप अपने घर में ही बैठे हुए बना सकते हैं। ओके, मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय फ्रेंड्स।